वीडियो बोल ऐसे ऐसे नहीं बोलूंगा मैं ऐसे नहीं, बोलूंगा एकदम सच बोलना है, झूठ कुछ नहीं बोलना है। आज के बाद पियोगे नहीं ना शराब। मैं जानता हूँ आईडी ये साहब वीडियो का बना रहा हूं मैं, आपको डलवा दूंगा अंदर जेल में। आईडी साहब देखा है आईडी को रुकिए सर दिखा रहा हूँ ना ना, मैं कुछ मत दिखाइए, मेरे को बात करने दीजिए, आप बात मत कीजिए बीच में। इधर आओ बैठो इधर। हेलो ये तुम्हारे अब्बा जो हैं कितना और मेहनत कर रहे हैं। अरे फोन बंद वो दूर से कीजिए। मैं फोन करते हैं बाद में। हाँ ये मेहनत करके किसके लिए कमा रहे हैं? ये आप ही लोग के लिए ना। आप कितने बोल भाई हो? बोल दो भाई हो ना? हाँ आप दोनों भाई कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो? बराबर भाई अभी कमा रहा मैं नहीं भाई तुम बड़ा वाला कमा रहा है, 8 महीने से बैठा था। 8 महीने से बैठा था, अभी हाँ काम पर लगा किधर? क्या मालूम कहाँ पर है कहाँ पर नहीं पैसा नहीं है। देता आपको? अभी पैसा कमा कर रखे हमको नहीं दे उसके बिना मोहताज नहीं हूँ। अच्छा चलो, वो तो अब काम पर लगा, कमाएगा तो देगा। आप क्यों नहीं काम करते हो भाई? मेरे साथ में जोड़ लग गया इसके लिए बैठा बैठते। तो चोट तो आप खुद शीशा में मारे हो ना हाथ अपना। क्यों मारे हाथ शीशे में? मार दिया था रात में क्यों मतलब? दारू पीते हो? कौन कौन सा नशा करते हो? नशा बताओ मेरे को, कौन कौन सा आईडी नशा साहब करते मेरे हो? बोलो आप पहुंच बा क्या नशा तो सब करता अभी छोड़ दिया लेकिन सब बोले आपका बोल? मानिए आपके बहुत बड़ा पहुंच बा जेल में डलवा दे और हाँ तो क्या डलवा देंगे जेल में आपको, अगर आज के बाद अगर पिएंगे आप वो जेल पहुंच बा तो। फर्क आप जहां बहुत बोलिए बड़ा कहीं तक पहुंच है, कहीं भी पहुंच लगा दूंगा आपको, वहां से उठवा के जेल में डलवाऊंगा, सजाए दिलवा दूंगा आपको, इसीलिए वीडियो बना कोई रहा ना हूं। रुकवा कोई ना जेल ये में आपका अब्बा है, पैसा कमा रहे हैं किसके लिए? आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात बैग लेके दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और आप लोग इतना बड़े बड़े हो गए, आपको शर्म नहीं आता है कि पैसा कमाना चाहिए, माँ बाप को खुश रखना चाहिए? हाँ कान में से निकालो, कान में क्या हाथ लगाए में हो? जैसे क्या था पहना है सब ये सब क्या पहना है हाथ में? निकाल दे फटाफट निकाल दे। ये वो सब नहीं पहना जाता है, वो लोफर का निशानी है, वो सब लोफर लोग पहनते हैं, अच्छा लोग देखिए नहीं ना पहनता है। 12 बजे पैटवा काट दिया ये 900 का जींस है ये देखिए अपने हाँ हाथों से काटा 12 बजे आज कटा है, आज काटा मेरे सामने इसकी माँ बोलते रहे काट लिया। अच्छे पॉइंट को काट के और खराब कर दिए तुम। हाँ क्या यार तुम लोग हो, गजब आदमी हो। है तो है ना वो आईडी साहब को लगे जाए दिखा दे आईडी साहब का है। यहाँ देखिए, ये नशा मुक्त का एक केंद्र होता है, वहां आपको मैं भेजवाऊंगा। अगर आप नशा आप करेंगे तो वहां फिर भेजूंगा, तो वहां आपको प्रॉब्लम होगा बहुत ज्यादा। कोई छोड़ा नहीं सकता कोई है नहीं छुड़ाएगा आपको, वहां जाने के बाद आपको लगेगा कि दुनिया में और क्या आगे हो रहा है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। कुछ ना लोग इसलिए आप ये नशा करना छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। आपका माँ बाप इतना बड़ा किया है, किस लिए किया है? कि बुढ़ापे में आप लोग सहारा बनोगे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को किस लिए पालता है? सहारे के लिए ना। आप अपने अब्बा को एक बार हाथ भी पीछे ऐंठ दिए थे आपने, उसी का क्यों ऐंठे थे आपने? दवाई करा रहा हूँ अभी अभी इनका दवा, अरे रखो भाई, आप लगते हैं दिखाने, हर चीज़ टाइम बर्बाद होता है। आप हाथ क्यों ऐंठे थे इनका? साल हो गए 1 साल बहुत साल हो गया, 1 साल हो गया, क्यों हाथ ऐंठे थे? बाप को कोई हाथ ऐंठता है? माँ बाप इसलिए पैदा किया आपको कि हाथ ऐंठो उसको, अगर कोई बात समझाए आपको तो। आज के बाद करोगे आप? ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं प्रूफ के लिए, आप मजाक समझना नहीं। आप तुर्रम खान हो गए, चाहे बदमाश, आपका अब्बा बोलते हैं बहुत बड़ा बदमाश है, किसी से लड़ जाता है, कुछ भी कर लेता है। तो आपका बदमाशी मात्र आधा घंटे में हम सुधार देंगे, आधा घंटा में अच्छे अच्छे को हम सुधारते हैं। आप कुछ नहीं हो, जैसे अच्छे अच्छे को मैं सुधारा हूं ना, उसके सामने आप कुछ भी नहीं हो। आपके अब्बा के सामने बोल रहा हूं ये बात, आज के बाद माँ बाप पर उल्टा बात नहीं बोलोगे ना? पक्का पक्का बोल रहे हैं ना ढंग से बोलो ढंग से क्या बात बोल करो रहे अच्छे हैं? से कि नशे के में बोल रहे हो अभी, या बाद में नशा उतरेगा तो फिर मारना पीटना चालू? ऐसे में नहीं बोलो। पक्का ना? क्या हाँ नाम है आपका? नन्हे मोहम्मद मंसूरी नन्हे मोहम्मद मंसूरी मोहम्मद मंसूरी। तो पहले आप काम करते थे गैरेज में जाके, तो आजकल क्यों नहीं काम कर रहे हो आप? क्यों काम छोड़ दिए? पीने के लिए? नहीं अभी थोड़ा तबीयत खराब हो गया था ना तबीयत मेरी खराब हुआ था खुद ब खुद। तुम अपने गर्दन भी काटने जा रहा था ना ये? हाँ लगा कैसे काट रहा था, चाकू कैसे काट रहे थे गर्दन लगा तुम? चाकू लिया था कैसे काट रहे थे तो बताओ मेरे को, चाकू से ब्लेड से? वो चाकू से ये देखिए हाथ भी रखा है इतना काट भी लिया हाथ त्वचे से देखो ये कितना हाथ काटा है ये। देखिए उसी दिन चाकू से मैं जाके छीना 12 बजे रात को कुछ ये क्या होता है, शैतान है क्या तुम्हारे सर पे? नहीं है सब मन का तो बड़ा फिर मन का बड़ा हुआ ये कहानी तुम करते हो, माँ बाप को परेशान कर रहे हो। अगर माँ बाप को मालूम रहता ऐसा करोगे तो बचपन में ही तुमको मार डालते लोग, फेंक देते, कोई भी फेंक देगा। माँ बाप को अगर पता चल जाए कि बच्चा बाद में चल के माँ बाप पर हाथ उठाएगा
और मोहल्ले में ये गुंडागर्दी करेगा तो कौन बच्चे को पालेगा जी? उसी टाइम गर्दन दबा के मार डालने का उसे बच्चे को, क्यों बड़ा करने का, नाम खराब करने के लिए? मेरा भी बच्चे को अगर पता चलेगी बाद में चल के ये गुंडा बनेगा चाहे बदमाश बनेगा तो मैं उसको पालूंगा? सबके पहले लड़े तो फिर बताओ ना, घर का आदमी बानी, घर का आदमी है, इसलिए समझा रहा हूँ। इनसे पूछो अपने अब्बा से, यहाँ डेली 10 आदमी आते हैं मेरे से राय लेने के लिए कोई ना कोई चीज का। आते हैं कि नहीं आते हैं जी? तुम्हारे जैसे लोग को सुधारने के लिए सब तरीका है मेरे पास। आज के बाद करोगे मारा मारी, अगर ये हमको बता दिए तो समझ लेना सही बता रहा हूँ, वहां से उठवाऊंगा तुमको। बहुत बड़ा पहुंच गए नन्हे, जहाँ रहते हो ना वहां से उठवा के लाऊंगा, फिर तुमको जेल में डलवाऊंगा। समझा? अब आज के बाद मत करना कुछ भी, ठीक है? चलो वीडियो में सॉरी बोलो अपने अब्बा को, बोलो सॉरी। सुनिए जी, बोल रहा है सॉरी बोला आज। ठीक है, ठीक है। आज तक सॉरी नहीं बोला था ना आपको? नहीं, नहीं। आज बोला ना इसने? फिर शाम को फिर पी लेगा तो फिर करेगा झगड़ा। आप एक वीडियो बना के मेरे को प्रूफ भेज दीजिएगा, अगर झगड़ा करेगा तो एक वीडियो बनाइए, फिर मैं इसको सुधारता हूँ ना। पुलिस वाले को फोन किया तभी ना कांच होगा मारा। आप पुलिस वाले को फोन किए थे? हाँ, पूरा भात वो बनाओ सब फेंक दिया, सो झूठ क्या बोलना है। हाथ किधर काटा है इसने, दिखाइए मेरे को, दिखाओ हाथ, दिखाओ किधर काटे हो। अरे क्या सर मारो, दिखाओ दिखाओ, जो पीछे जो कट किए हो शीशा से वो किधर है, दिखाओ मेरे को। निकल खोल भाई, ये तो ढापा हुआ है, फोटो दिखा दूंगा पूरा सर पहन कर आया है। वो वीडियो दिखाइए जो आप फोटो बनाए हैं उसमें दिखाइए वहां से। ये गलत बात है ना, सब नशे में ये सब काम होता है गलत सलत, नशा करना ही नहीं चाहिए, इसीलिए नशा को हराम बोला गया, हराम माना गया है। ये गलत बात है, ये सब नहीं करना चाहिए सब। किधर गया फोटो इसका? पूछिए मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, ये कचर पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सोच पूछ ही इसे, फिर भी बच्चों लोग पर आज तक पढ़ाया लिखा है सब कुछ हूँ। इतना बड़ा तुम घाव कर लिए हो अपने हाथ में मार के, 5-7 हजार पे लगा दिया। अरे 5-7 हजार का गोली मारी है भाई, 5-7 हजार का हाथ अगर तुम्हारा डैमेज हो जाता पूरा हमेशा के लिए तब क्या करते? तब क्या करता है? फिर तो एक हाथ से तुम क्या करते, देखो इतना काटे हो तुमने, गलत बात है ना। आज के बाद नहीं करोगे ना? नहीं। पक्का? पक्का। अपना आपा से पूछना, मैं मजाक वाले लोगों को तो बकसता नहीं हूं। फिर तू मजाक समझ रहे होगे ना कि हाँ ये बोल रहे हैं, फिर मैं घर जाऊंगा कुछ भी कर लूंगा, ये क्या कर लेंगे। मैं एक फोन मारूंगा ना, एक फोन वहां से भी तुमको लोग उठा के लाएंगे, इतना याद रख लेना तू। पक्का बात है ना, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए। हमको क्या मिलेगा, तुम पियो मरो जियो, हमको उससे क्या लेना देना है, कुछ लेना देना है? 1 रुपया मिलेगा तुम कमाओगे तो मुझे मिलेगा, नहीं मिलने वाला है। लेकिन तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुम परेशान हो रहे हो, तुम तकलीफ झेल रहे हो, साथ में अपने माँ को, बाप को, भाई को, बहन को। बहन कितनी है तुम्हारी? 2 बहन है। पूरा होश तो है, सब मालूम है ना, 2 बहन भी है, 2 भाई भी है, तीनों जन शादी करना। अरे रुकिए तो मेरे को समझाने दे, फिर क्यों लेके आते हैं मेरे पास समझाने के लिए? आप ही समझाइए ना घर में, जो हम बोले लगते बीच में लगते हैं बोलने। फिर सब कुछ तुमको होश है कि 2 बहन है, 2 भाई है, तो फिर ये क्यों नहीं होश रहता है कि बाप से झगड़ा नहीं किया जाता है, बाप से मारा मारी नहीं की, ये क्यों नहीं होश रहता है? हो गया, नहीं है। पक्का ना? काम पे जाओगे, हाथ सही हो जाएगा, काम पे जाओगे? कहाँ काम करते थे? गैरेज में? बोरीवली में। कितने साल से काम करते थे तुम? 5 साल हो गए बोरीवली। 5 साल से। कितने का मंथली मिलता था, महीना कितने का मिलता था? 2-3 हजार। नहीं नहीं, टोटल कितना मिलता था? 10-15 हजार कितना महीने का? अभी पहले का छोड़ो, नया में तो कम मिलता है ना, बाद में कितना मिला? 10 हजार मिलता था, तो हर महीने का कमा के 10 हजार में से 2 हजार रख लेना अपने पास खर्चे के लिए, पॉकेट खर्च। 8 हजार दे दो अपना पा को,
चाहे 5,000 दे दो अपना अब्बा को, 3,000 दे दो अपना अम्मा को, कितना खुश होंगे वो लोग। बोलेंगे ना कि हम बेटा पैदा किए हैं तो छाया कर रहा है। पेड़ किस लिए लगाया जाता है घर के सामने? छाया करने के लिए ना। तो माँ बाप बेटा किस लिए पैदा किया, बेटा चाहे बेटी किस लिए आई? कि आगे चल के काम आएंगे। तू काम ना आने के बजाय तुम इनको हाथ मोड़ देता है, इनको हाथ, कोई बाप को अपना हाथ तोड़ता है। अभी इनको भी डॉक्टर बोल दिया ना ऑपरेशन करने के लिए, मालूम है कि नहीं तुमको? डॉक्टर बोला इनको ऑपरेशन करने के लिए, मालूम है? है मालूम? मालूम नहीं था, बताया बताया तुम्हारा अब्बा। तो अब बताओ, तुम्हारे वजह से इनका इधर ये हो गया है। क्या हुआ है जी? फ्रैक्चर हो गया है। तुम इनका हाथ चढ़ा दिया था ऐसे। पहले भी एक वीडियो में बनाया हूं तुम्हारे ऊपर, देखा है तुम वीडियो? देख लेना। अब तुम करोगे कोई भी गलती, सब प्रूफ इधर रख रहा हूं, अब गलती करोगे तुमको सीधा मैं कंप्लेन करूंगा, तुम भीतर जाओगे, दो ही जगह जाओगे। किधर? नासा मुक्त वाले उठा ले जाएंगे तुमको, बोले जाके 2-3 साल तुमको अंदर डाल देंगे, 3 साल बाहर नहीं निकलने देंगे, 3 साल वहां एक बीड़ी भी नहीं मिलेगा। नहीं तो पुलिस वाला उठा के लाएगा, तो फिर तुमको 6 महीने जेल के अंदर सुधर जाओगे, ठीक है? आज के बाद अपने वालिद पर, अपने अब्बा पर हाथ नहीं उठाओगे ना, कसम खाए हो याद रख लेना। खाओ कसम, खाओ कसम। हाथ उतना ही पकड़ना है, झगड़ा भी नहीं करना है, ठीक है? तुमको ज्यादा कुछ अगर तकलीफ हो, पैसे की जरूरत हो, इनसे बोलो 500-2,000 दो। बोलता नहीं, ज्यादा नहीं देता हूँ इसलिए ना। जाके पीए ना चालू कर देगा इसलिए, गलत रास्ते से। तो पैसा ज्यादा देने से भी बच्चे बिगड़ते हैं, हम भी अपने बच्चों को ज्यादा पैसा नहीं देते हैं। आगे समझ में? पैसा दीजिए, दूसरे तीसरे में 1,000-1,500 खर्चा कर देता हूँ पर डे, लेकिन अपने बच्चों को नहीं देता, दूंगा तो बिगड़ जाएंगे। और दूसरे में जो खर्चा करता हूँ ना, तो मेहमान नवाजी में करता हूँ, फालतू में नहीं करता हूँ मैं भी। जैसे आप लोग आए थे चाय पिलाया, कोई दूर से आया तो उसको खाना खिलाया, किसी को चाय पिलाया, इसमें जाता है मेरा पैसा। दारू में, शराब में, हमारा कितना भी दोस्त बड़ा से बड़ा आ जाए, अगर बोलेगा कि हमको एक गिलास दारू पिला दो, तो हम उसी दिन से उसे दोस्ती तोड़ देता हूँ, बोलता हूँ चलो आज से आउट। ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखने का। जो दोस्त बोले चलो दारू पीते हैं और पिलाते हैं, तो समझो तुम्हारा दुश्मन है। तुम क्यों बिगड़ा है? तुम्हारा दोस्त लोग थोड़ा सिखाया होगा, थोड़ा लो पियो, तुम थोड़ा पीते 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 आदत लग गया तुमको, आदत लग गया तो अभी उसका फल मिल रहा है। अपने बाप को मार रहे हो, माँ को भी मारता है क्या? माँ को मारते हो, बहन को मारते हो, बहन को अपना, झूठ मत बोलो, मारते हो ना बहन को? अपना बड़ा भाई को मारे कभी? एक बार मारा उसको, देखो हम देखने नहीं गए, मुझे मालूम है शराबी लोग क्या क्या करते हैं। शराबी लोग यही करते हैं, इसीलिए इसको हराम माना गया, शराब को हराम इसलिए माना गया। शराब जब पी लेगा इंसान तो हर चीज भूल जाता है, शैतान बन जाता है। शराबी क्या होता है? शैतान, ठीक? आज के बाद कुछ गलत कदम मत उठाना, मेहनत करो, कमाओ, तरक्की करो, पासपोर्ट बनवा लो, चले जाओ सऊदी अरब। वहां जाओगे तो दारू नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो तुम्हारा आदत ऑटोमेटिक छूट जाएगा, ठीक है? और कुछ बोला जी आपको? इनके तरफ करो, और कुछ बोला आपको? अरे बोलते नहीं, जान चना जाए। जाओगे बाहर, जाओगे कि इंडिया में रहोगे? जाओगे ना, तो पासपोर्ट बनवा लो, सऊदी चले जाओ, दूसरा कोई कंट्री मत जाना, सऊदी के अलावा और कहीं मत जाना। और जगह जाओगे तो दारू मिलेगा, वहां भी जाके एकदम छुट्टा पीना चालू कर दोगे, वहां भी मारापीट करोगे, तो वहां तो जेल के अंदर जाओगे। वहां किसी को थोड़ा भी ब्लड निकल गया ना, किसी को मार दोगे ना नशे में, तो वहां पर सजा है बहुत बड़ा, बाहर कंट्री में 10 साल का सजा लग जाएगा तुमको। अगर तुम किसी से झगड़ा किए मारे, अगर वो मारा गया तो तुमको भी वहीं फांसी लग जाएगा, तुम्हारा भी। इसलिए वहां लोग सुधर जाते हैं बाहर जाके, ठीक है? और कुछ बोलना आपको? और कुछ बोलना तो बोल लीजिए, नहीं तो वीडियो बंद कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वीडियो ये बात है, लड़का मेरा सुधर जाए, सबके साथ छोड़ दे, नहीं मानेगा तो आपको अंदर करना ही करना। नहीं मानेगा तो फिर अंदर कराऊंगा इसको, नहीं मानेगा तो अंदर कराऊंगा इसको। काम करते रहे वहां, तो खींच लेना है, ठीक ना? ये वीडियो बन गया है प्रूफ के लिए, ये जाएगा यूट्यूब पे। कभी भी तुम गलत करोगे तो ये तुमको वीडियो दिखा के फिर उसके बाद अंदर। तुमने सब अभी एक्सेप्ट किए हो कि आज के बाद झगड़ा नहीं करेंगे,
कॉलो बने नो कि सब कुछ तुम बोला ना वीडियो में जबरदस्ती बोला खुशी से कॉलो हां बोला अरे बोला बोला कि जबरदस्ती बोला हां खुशी से बोला तो बोल ना अभी बोल रहे हैं दारू नहीं मिलता बोल रहे हैं सऊदी में नहीं मिलते तो ठीक है ये छोड़ना नहीं चाहता बात यहाँ अरे छोड़ देगा हर आदमी का एक टाइम होता है अभी समझ गया ना थोड़ा बहुत इतना कोई समझाने वाला मिलेगा इसको कोई मिला आज तक तुमको कोई समझाया कि मत पियो कुछ बोला आज तक घर वाले समझाए होंगे लेकिन गैर तुमको नहीं समझाया होगा मैं गैर हूं ना तुम्हारा क्या हूं कुछ हूं समझा रहा हूं ना किस लिए तुम्हारे फायदे के लिए ठीक है तुम्हारा लाइफ देखो इतना अच्छा हो अल्हम्दुलिल्लाह तुम ठीक हो स्मार्ट भी हो इतना लंबे हो पढ़े लिखे भी हो उसके बावजूद तुम्हारा सब बेकार हो गया पीने से ना तुम्हारा कोई शादी करेगा कोई लड़की देगा तुमको कोई देगा लड़की अपना जिंदगी बर्बाद करेगा लड़की का देकर तुम्हारा साथ तो शादी भी नहीं होगा ऐसा ही रह जाओगे लोफर की तरह पीना छोड़ दोगे तो तुम्हारा अच्छे घर में शादी हो जाएगा लड़की वाला लड़की दे देगा तुमको तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे तुम भी जैसे ये तुम लोग को पाल रहे हो वैसे तुम पालोगे उनको बाद में वो पढ़ लिखे वो बड़ा आदमी बनेंगे सब ऐसा ही जनरेशन चलता है ना जरूरी नहीं है कि तुम्हारा अपा नहीं पढ़े लिखे तो तुम नहीं पढ़े लिखे तो तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ेगा मेहनत करोगे तो वो लोग पढ़ के कोई बड़ा आदमी बन सकता है आ गया समझ में ओके एक्सेप्ट करा भी पारा और लास्ट एक्सेप्ट करो उधर वीडियो की तरफ देखो कसम खाओ कि आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा जोर से बोलो आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा कोई सामान नशा कोई नहीं करूंगा नशा कुछ भी नहीं करूंगा नशा कुछ भी नहीं अगर करूंगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी बोलो अगर करूंगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी हाँ ये पुलिस के लिए मैं रख रहा हूँ पुलिस को मैं दिखाऊंगा कि एक्सेप्ट किया था उसके बाद भी पी रहा है उसके बाद भी झगड़ा कर रहा है माँ बाप से झगड़ा नहीं करोगे ना नहीं पक्का पक्का कसम खाओ कसम खा रहा हूँ कसम खाए ना ओके चलो ठीक है और सब भाइयों से आप लोगों से यही मेरा निवेदन है गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने बच्चों पर ध्यान रखिए नहीं ध्यान देने की वजह से ही बच्चे बिगड़ जाते हैं रास्ता जब बदल जाता है तो फिर रास्ते से वो जो गलत ट्रैक से फिर सीधा ट्रैक पर लाने में टाइम लगता है जैसे इन्होंने रास्ता भटकते टाइम में अगर ये टाइम दिए होते अपने बच्चे पर तो आज ये नौबत नहीं आता इनको बार बार मेरे पास आके बोलते हैं आज लाए अपने बच्चे को कि आप समझाइए तो मैं तो समझाने के लिए समझाता हूँ बाद में दूसरा भी उपाय करता हूँ ये भी याद रखना मेरे पास बहुत तरीका है कैसे कैसे करना है तुम नहीं जानते हो तुम्हारे अब्बा जानते हैं बहुत कुछ तरीका करता हूं प्यार से भी समझाने को आता है पिटने को भी आता है चौकी में भेजवाने को भी आता है अब तुम्हारा नासा मुक्त में भी भेजवाऊंगा तीनों चारों कोई तरीके में एक तरीका से तो मानोगे ना ठीक है पक्का खुशी से खुश हो जा अपने घर के हैं बाहरी नहीं है वो बाहरी रह जाए घर का रहे इंसानियत नाते हम समझा रहे हैं समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारा लाइफ सुधर जाएगा ओके हेलो और आप लोग भी भाइयों अपने अपने बच्चों पर ध्यान रखिए हम तो अपने बच्चों पर ध्यान रखते ही है ऐसा नहीं कि नहीं रखते हैं अब आगे बिगड़ना न बिगड़ना वो तो भविष्य की बात है लेकिन रह गया बात की फिर भी निगरानी करना चाहिए अपने अपने बच्चों पर ठीक है चलिए शुक्रिया आप सबको आप वीडियो देखिए तो आप लोग एक दूसरे को भेजिए ताकि बच्चे लोग पर ध्यान रहे और बच्चे पर नहीं ध्यान देखिए घर पे कोई भी चीज लगाते हैं फल फ्रूट का भी पेड़ लगाते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता एक टहनी इधर जाता है एक टहनी उधर जाता है एक टेढ़ा बाका सका हो जाता है अगर वो फसल पर भी ध्यान नहीं दीजिएगा तो फसल खराब हो जाता है उस तरह पेड़ पौधा भी लगाया जाता है उसको सीधा ऊपर तक ले जाना है तो उसका टहनी काट काट के बराबर किया जाता है तो ऊपर लंबा जितना चाहिए उतना भागता है उसी तरह बच्चे पर भी ध्यान दीजिएगा जैसा चाहिएगा वैसा बच्चा बनेगा आपका ठीक है तो चलिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आप लोग देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा लाइक भी कीजिएगा और मेरा जो चैनल जो है ना किसी ने हैक कर दिया है मेरे आईडी को इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए आप लोग धीरे सही हो जाएगा मैं ये यूट्यूब में मैंने ये कर दिया है यूट्यूबर के पास मैं मेल कर दिया है और रिप्लाई आने का इंतजार कर रहा हूं देखते आगे क्या होता है ओके शुक्रिया थैंक यू।